हैं आस्था हो या अंधविश्वास, विज्ञान के लिए आज भी चुनौती होते हैं जिसका जवाब विज्ञान में भी पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। ऐसा ही एक अनसुलझा मामला सामने आया है, विदिशा जिले का है। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरी कहानी क्या है। यह आप विदिशा के ग्यासपुर तहसील मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित धार्मिक स्थल कहे जाने वाले सीहोत गांव की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर लोग सांप के काटने के बाद इलाज करवाने पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर जमुना गिरी महाराज की समाधि है। उन्होंने 900 साल पहले इसी स्थान पर जीवित समाधि ले ली थी। और आराम से उत्तरी माना जाए, मतलब पांच गठाने लगा के गले में धागा रस्सी जो भी टाइम पे मिल जाए गले में बांध, पांच आठ दिन में आओ, 15 दिन में आओ। तो मतलब वहाँ पे उसने पांच गठाने गले में बांध ली, 8-15 दिन भी वो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, उसे तोड़ के नहीं खोल फेंक सकते। अच्छा, खुलेगी नहीं, अगर 15 दिन बाद भी तोड़ दे तो ताजा केस है। लोगों का मानना है कि सांप के काटने के बाद अगर कैसे भी यहाँ तक पहुँच जाए तो बिना इलाज के ही ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पर सेवादार इलाज करते हैं, जिनका कहना है कि किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना का सहारा नहीं लिया जाता है। विश्वास की 5 से 7 गांठे बांधकर और आस्था के पानी के छींटे मारकर इलाज करते हैं, जिन्हें 8 से 15 दिन में खोल दिया जाता है। अब ये आस्था है या अंधविश्वास, ये गुत्थी अब तक उलझी हुई है और लोगों का आना जाना भी जारी है। विदिशा से सुरेंद्र राजपूत के साथ टीम न्यूज़ 8।